बाबा रामदेव द्वारा महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी बहुत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। इसके विरोध में आज सदर स्थित पतंजलि स्टोर के सामने आम आदमी पार्टी महिला विंग नागपुर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हाल ही में बाबा रामदेव ने ठाणे में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं पर टिप्पणी की थी। इसका विरोध आज आपकी महिला विंग द्वारा किया गया। इस तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति स्वामी कहलाने योग्य है, क्या यह सोचने वाली बात है? ऐसा आंदोलन के दौरान आपकी संयोजिका कविता सिंघल द्वारा कहा गया है। आज हम महिलाएं आम आदमी पार्टी नागपुर की यहाँ पे एकत्रित हुई है क्योंकि 25 नवंबर को रामदेव बाबा में ठाणे में एक बहुत ही बेहद शर्मनाक बात बोली थी महिलाओं के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए। हम सभी को पता है, उन्होंने बोला कि महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती है, और अमृता जी जो उनके साथ में स्टेज पर बैठी हुई थी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी, इनकी तरह अगर सूट पहने तो भी अच्छी लगती हैं, और मेरी नज़रों से अगर वो कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। रामदेव बाबा जो हमेशा ही एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, मैं 2014 से पहले उन्होंने सब भारतवासियों को बोला था कि काला धन वापस हिंदुस्तान आएगा। अब अगर आप लोग जर्नलिस्ट, आप ही लोग उनसे पूछने जाते कि क्या काला धन वापस आया, तो आप लोगों को गंदी तरीके से वो बात करके भगा देते। आप जाके पूछिए, आप लोगों को भगा दिया जाएगा। तो क्या ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति बाबा कहलाने लायक है, स्वामी कहलाने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी दिल्ली से नागपुर तक बाबा रामदेव के विरोध में आंदोलन कर रही है, और इसके जरिए मांग की जा रही है कि बाबा रामदेव माफी मांगे। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।